नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार ने सीएए से जुड़े नियमों को अधिसूचित कर दिया है। ऐसे में विपक्षी दल इसकी टाइमिंग को लेकर हमलावर है, वहीं बीजेपी इसे अपना वादा बताती हुई नजर आ रही है। जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए का नोटिफिकेशन आ चुका है। 11 मार्च 2024 को एनडीए सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई, तो अब विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस, सपा से लेकर तमाम विपक्षी दल इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी दे दें, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएम ने इस पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। किसी ने कहा चुनावी बॉन्ड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यह ऐलान सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने का प्रयास है, तो कोई नेता इसे पूरी तरह से सांप्रदायिक उद्देश्यों के साथ विभाजनकारी एवं नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताता दिखा। हालांकि सियासी गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि ये मोदी बीजेपी के लिए बड़े मास्टर स्ट्रोक के रूप में साबित होगा। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने की घोषणा की। विवादास्पद कानून को पारित किए जाने के 4 साल बाद केंद्र ने इस कदम के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ कर दिया है। सीएए नियम जारी हो जाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन तीनों देशों के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और संविधान निर्माताओं के वादे को साकार भी किया। दरअसल बता दें कि गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए 2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। अब आपको बता दें कि इस कानून को सीधे सीधे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इसका स्वागत किया है। सीएए को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा मैं इस कानून का स्वागत करता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी सीएए का स्वागत करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर सीएए का असर नहीं पड़ेगा, इसका देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सीएए को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। यह बिल्कुल सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, इसे असम और पश्चिम बंगाल चुनाव को देखकर लाया जा रहा है। दोनों सूबों में इसका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के मुद्दे विभाजनकारी और उसमें राजनीतिक तानाशाही नजर आ रही है। बता दें कि ये जो कानून है ये यहाँ पर पूर्वोत्तर के जनजातीय इलाके से दूर रहेगा, यानी कि वहां पर इसे लागू नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संघियों को 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली मगर इसको कागज लेकर लाइन में खड़े होने का शौक है। 2019 में चौकीदार से प्यार हुआ था, अब शायद रद्दी वाले को दिल दे दिया है। जब देखो तब कागज ही मांगते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि सीएए का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने स्वागत किया है, हालांकि विपक्ष इसे लेकर लगातार प्रतिक्रिया जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट नाइन न्यूज की ओर से ये खास रिपोर्ट।